हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोशन टेक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे कोई नुकसान नहीं हो सकता है और आप उस नुकसान से बच सकते हो। जैसे कि मेरे आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि अकाउंट टर्मिनेशन कैसे होता है और टर्मिनेशन का सोल्यूशन क्या है, वो भी मैं आज आपको बताऊँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो है दो चैनल टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने टर्मिनेट मेरे चैनल को टर्मिनेट हो चुका है, मैं इस चीज़ से सिखाऊँ और आपको जो है दूसरे की गलती से सीख लेना है। खुद की गलती कर कर सीखना के लिए उतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो आप मेरी गलती से आप सीख लो कि आपको जो है कैसे टर्मिनेशन से आप बच सकते हो, और उसका अगर हो जाता है बाई चांस तो आप उसके से उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी आप सीख सकते हो इस वीडियो के जरिए। तो आप मेरी इस वीडियो के साथ बने रहे और मैं वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा जिसके बारे में मैं लास्ट में बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप जान लेते हैं कि मेरा जो है दो चैनल जो है टर्मिनेट हो चुका है। पहला चैनल था जिसमें 5,000 सब्सक्राइबर थे मेरे, जिसमें कि मैंने कुछ शायद गलत कंटेंट वगैरह डाल दिया था, जिससे कि वो यूट्यूब वाले ने उसे टर्मिनेट ही कर दिया। तो टर्मिनेट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। अगर आपका चैनल डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है यूट्यूब के द्वारा, तो फिर उसके बाद आप उसे जो है क्लेम कर सकते हो कि नहीं, मेरा चैनल जो है कुछ मैंने सही डाला था, आपने जो है गलत कर दिया, ये सब लिखकर जो है आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपका जो है चैनल अगर नहीं खुलता है, तो आपको कम से कम 3 बार जो है ऐसे तो करना ही है मैसेज, अगर खोल दिया यूट्यूब वाले ने तो अच्छा है, अगर नहीं खोलते हैं तो फिर उसका कोई भी तरीका नहीं है कि आप उस चैनल को खोल सकते हो, और आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस चैनल को भूल जाओ। आप चैनल ख़त्म होने के बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस देखते हो कि कैसे टर्मिनेट हुआ, अकाउंट खुल जाए, तो उसका कोई भी तरीका नहीं है खुलने का, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई भी तरीका नहीं है, आप उस अकाउंट को खोल ही नहीं सकते हो। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस उस चैनल को भूल जाना है। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि ये मेरा दूसरा चैनल कैसे टर्मिनेट हो गया, जिसमें कि मेरे टोटल 700 सब्सक्राइबर थे वो चैनल, ये हाल फिलहाल 1 हफ्ते पहले ही जो है टर्मिनेट हो चुका है मेरा। तो टर्मिनेट होने का कारण क्या था कि मैं उस वो मेरी गलती थी, वो किसी और किसी की गलती नहीं है, वो मैंने अपनी गलती से जो है मैंने डिलीट बटन पर क्लिक कर दिया था चैनल डिलीट का, और वो डिलीट हो चुका, डिलीट हो गया वो, ठीक है दोस्तों। तो अब बताओ कि अगर आपके साथ भी ऐसा एक्सीडेंटली हो जाता है, डिलीट हो जाता है आपका अकाउंट, तो आप कैसे उसे रिकवर कर सकते हो। तो उसका जो है एक तरीका है, लेकिन मैं उस अपने चैनल को रिकवर नहीं कर पाया। उसके लिए जो है मैंने बहुत सारे मैसेज किए YouTube को कि YouTube जो है मेरे गलती से एक्सीडेंटली मैंने जो है अपने चैनल डिलीट कर दिया है, लेकिन आप जो है इसे ओपन कर दो, लेकिन YouTube वालों ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैंने मैसेज पे मैसेज किया, 2 दिन 3 दिन वेट किया, 4 दिन वेट किया, कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके हैं मेरे टर्मिनेट हुए इस अकाउंट को, ओके, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो फिर उसके बाद मैं गुस्से में आ गया, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब को जो है बहुत ही समझ जाओ अब्यूजिंग वर्ड यूज़ कर लिया मैंने, जिसके कारण यूट्यूब ने फिर रिप्लाई किया मुझे और उन्होंने कहा कि आपके जो है चैनल को जो है मैं फिर से ओपन नहीं कर सकता हूँ, ओके। तो इस तरह की बात हुई है मेरे साथ, लेकिन अगर आपके साथ होता है तो आप कैसे इसे ओपन कर सकते हो ये मैं आज आपको बता देता हूँ। तो आपको पहले से ही सतर्क हो जाना है, पहले से ही सीख लेना है कि बाद में आपको इस चीज़ का नुकसान ना हो जो नुकसान मैं झेल रहा हूँ, ओके दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका जो अकाउंट होता है, जो यूट्यूब चैनल होता है, वह जो है एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो उस पर्सनल अकाउंट अगर आपका वो डिलीट हो जाता है तो फिर आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हो। अगर YouTube चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर आप YouTube भी नहीं चाहे, अगर YouTube भी आपको करके नहीं दे रहा है, तो आप उस चैनल को रिकवर नहीं कर सकते हो। आपको बहुत सारे चैनल वाले जो है वीडियोस आपको बनाकर डालेंगे कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो सारे के सारे वीडियो फेक होते हैं, कोई भी काम नहीं आएगा आपकी वीडियो, तो आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर इसका सोल्यूशन क्या है, तो अगर आप उस वीडियो उस चैनल को अपने चैनल को ब्रांड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, तो फिर डिलीट होने के बाद भी आप अपने चैनल को ओपन कर सकते हो। तो आपको जो है अपने चैनल को, अपने पर्सनल चैनल को अपने ब्रांड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आप सोच रहे हो कि पर्सनल ब्रांड अकाउंट क्या होता है, अगर आप इस चीज के बारे में जानना चाहते हो कि ब्रांड अकाउंट क्या होता है और ब्रांड अकाउंट में हम अपने चैनल को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे जो साइड में बेल बटन है उस पर भी क्लिक करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसमें बताऊंगा आपको कि ब्रांड अकाउंट में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाई चांस आगे चलकर आपका अकाउंट डिलीट भी हो जाता है एक्सीडेंटली, तो आप उसे रिकवर कर सकते हो अगर वो ब्रांड अकाउंट है आपका। तो अच्छा दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, और जैसा कि मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में मैं कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आजकल जो एंड्रॉयड मोबाइल आते हैं जिसमें सेंसर
ऐसे फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं, जैसे कि पीछे में क्लिक करो तो सेंसर से वो ओपन हो जाता है, जिससे कि हाई सिक्योरिटी मिलता है मोबाइल को। ओके, तो मैं आज आपको इस चैनल में जो है, मैं नेक्स्ट तो ब्रांड अकाउंट वाला डालूंगा, उससे नेक्स्ट जो है मैं इस चीज़ पर बताऊंगा, अगर आपके इसमें सेंसर अकाउंट सेंसर नहीं है, जैसे कि आप फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो फिर आप उसे कैसे फिंगरप्रिंट सेंसर बना सकते हो अपने मोबाइल पे। ठीक है, तो जो आपका जो वो पीछे जो फ्लैश होता है, फ्लैश लाइट, उस फ्लैश लाइट को यूज़ कर जो है आप जो है फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हो, मतलब वो फिंगरप्रिंट जो है आपके फ्लैश लाइट काम करने लग जाएगा। तो वो कैसे होता है, और ये हर मोबाइल, कोई सा भी मोबाइल हो, हर मोबाइल में यह काम करेगा, बस स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में जो है आप जो भी क्वेश्चन पूछना हो, आप जो भी पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।